नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये BCEC का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेके आए हैं, और इसमें हम लोग एग्रोनॉमी के क्वेश्चन कवर करेंगे। आज एग्रोनॉमी का ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हम लोग डिस्कस करेंगे, और शाम को अभी 100 क्वेश्चन एग्रोनॉमी का कराएंगे, और हम लोग कल भी प्रैक्टिस करेंगे। कल मॉर्निंग में भी एग्रोनॉमी और हार्टिकल्चर की प्रैक्टिस सॉयल साइंस की, और शाम को भी एग्रोनॉमी हार्टिकल्चर सॉयल साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इन सभी प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर अटेंड करिए, और उम्मीद ये है कि आपके 50 से 60 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेशन से मिल जाएंगे। आप प्रश्न से ज़्यादा व्याख्या पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर प्रश्न की व्याख्या होगी, और प्रश्न जो इसमें हैं उससे आगे या उसके पीछे कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से और लोगों को जोड़ लीजिए, और आज और कल की जो ये संस्था की तरफ से प्रैक्टिस सेशन ये चलाया जा रहा है, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोग जिसे इसका लाभ ले पाए। ठीक है, तो अमृता कुमारी जी, सलोनी, आकाश, विश्वजीत, शिवम, प्रिंस, खुशबू, शालिनी और लोग जुड़ जाइए। टॉप गेमिंग, आदित्य सिंह, राजा, SI आशुतोष कुमार। अच्छा, अगर हमसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता तो आप ये बताने क्यों आए हैं? आप आइए ही नहीं, है ना? आपको आना ही नहीं चाहिए फिर, है ये बताने के लिए क्यों आए हैं आप? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज इस प्रैक्टिस सेशन में एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए, सात्विक तिवारी। ये लिख रहा है कुछ नहीं आता आपको, चलो अच्छी बात है यार, हमें बता दिए, हमें हमारे ज्ञान का जो है वो पता चल गया कि हमको आता है कुछ कि नहीं आता। चलिए, पहला प्रश्न है, बल्क डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइलेज, ये जो सामान्य मृदा होती है उसकी बल्क डेंसिटी कितनी होती है? बल्क डेंसिटी मतलब स्थूल घनत्व। सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है ये प्रश्न है। बल्क डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल, सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व, तो सामान्य मृदा का जो स्थूल घनत्व होता है वो 1.33 होता है, ये है क्यूबिक पर सेंटीमीटर में। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर सीसी में होता है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर सीसी में होता है, ये याद रखिएगा। अगर यही पे वो पार्टिकल डेंसिटी पूछा होता आपसे, पार्टिकल डेंसिटी पूछा होता तो आपको सही करते फिर 2.33
65 2.65 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी इसकी यूनिट है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर याद रखिएगा। यदि प्रश्न ये पूछे कि बल्क डेंसिटी या पार्टिकल डेंसिटी की यूनिट क्या है, तो बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी दोनों की यूनिट है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो नॉर्मल सॉइल की बल्क डेंसिटी 1.33 और नॉर्मल सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी 2.65। तो आपको याद ये रखना है, प्रश्न कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि जो स्थूल घनत्व होता है वो कण घनत्व का आधा होता है कि दोगुना होता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जो स्थूल घनत्व होता है वो कण घनत्व के का आधा होता है, जिसे 2.65 ये है आपका पार्टिकल डेंसिटी कण घनत्व, और 1.33 ये आपका क्या है बल्क डेंसिटी बीडी। तो आप ये देखिए, लगभग जो है वो बल्क डेंसिटी जो है वो पार्टिकल डेंसिटी से आधी है कि नहीं है। और यही उल्टा वो पूछ सकता है कि जो बल्क डेंसिटी होती है, ये पार्टिकल डेंसिटी होती है, वो बल्क डेंसिटी से कैसे रिलेट करती है। तो जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो बल्क डेंसिटी की दोगुनी होती है। समझ में आ गई बात कि नहीं? आप देखिए, बल्क डेंसिटी आधी है, पार्टिकल डेंसिटी इसकी जस्ट दोगुनी है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर इन मेज क्रॉप। मक्का जो है उसके लिए क्रिटिकल स्टेज कौन सी है इरिगेशन की, कब उसमें सिंचाई हमको देनी चाहिए। तो देखिए, मेज जो है वो सबसे ज़्यादा कई वैरायटीज़ हैं, पहले आप ये जान लीजिए मक्के की, जैसे जीएम एज इंडियन टाटा, जीएम एज इंदूर आटा, जीएम एज सिक्के आटा, जीएम एज एमाइलेशिया, ये मक्के की प्रजातियां हैं, जैसे फ्लिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, पॉट कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न और फ्लोर कॉर्न, ये मक्के की अलग अलग स्पीसीज हैं। और मक्का जो है ये याद रखिएगा, इसमें मोनोसियस कंडीशन पाई जाती है। मोनोसियस कंडीशन का मतलब है मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होंगे, लेकिन उनकी जो पोजीशन होगी वो अलग अलग होगी। जैसे ये आपका मेल फ्लावर है और ये आपका फीमेल फ्लावर है। देखिए, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे हैं, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है ना। तो जो फीमेल फ्लावर है इसको हम लोग सिल्क बोलते हैं, फीमेल फ्लावर को क्या बोला जाता है सिल्क, और मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं टेसल, टेसल बोलते हैं मेल फीमेल फ्लावर, सॉरी मेल फ्लावर को, मेल फ्लावर हो गया टेसल और फीमेल फ्लावर हो गया सिल्क। तो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पे हैं, इस दशा को हम लोग मोनोसियस दशा कहते हैं, मोनोसियस दशा। तो मोनोसियस दशा में याद रखिएगा, फीमेल और मेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होंगे, लेकिन उनका पोजीशन अलग अलग होगा। मक्के में मेल फ्लावर को कहते हैं टेसल, फीमेल फ्लावर को सिल्क कहते हैं, और टेसल निकलने की प्रक्रिया टेसलिंग कहलाती है और सिल्क निकलने की प्रक्रिया सिल्किंग। आपको ध्यान ये रखना है कि मक्के में पहले मेल फ्लावर निकलता है, मतलब टेसल निकलता है। मक्के में याद रखिएगा, डबल क्रॉस डीएफ जोन ने दिया और मक्के में सिंगल क्रॉस ईएम ईस्ट ने दिया। मक्का क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसको भी आपको याद रखना है। मक्का स्टिल, मक्के में स्टिल्ट रूट पाई जाती है जो क्षरण को बढ़ावा देती है। मक्के में एक रेड लीफ डिजीज लगती है या डिसऑर्डर है जो फास्फोरस की कमी से लगता है। व्हाइट बर्ड मक्के में जिंक की डिफिशियंसी से लगता है, ये आप याद रखिएगा। मक्का एक सिंगल ऐसी सीरियल क्रॉप है जिससे तेल निकाला जाता है, तेल निकालने के लिए मक्का का प्रयोग होता है। ठीक है, और दाना इसका कैरियोप्सिस कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो प्रश्न पूछ रहा है क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर इन मेज क्रॉप, मक्के में सिंचाई की जो क्रिटिकल स्टेज है कौन सी है। तो मक्के में सिंचाई की स्टेज जो है वो टेसलिंग भी क्रिटिकल है, सिल्किंग भी क्रिटिकल है, तो दोनों स्टेजेस दी हुई हैं। सी ऑप्शन आपका सही है, टेसलिंग सिल्किंग दोनों क्रिटिकल स्टेज है वाटर के लिए। हाँ, शाम को भी क्लास रहेगी, ठीक है, शाम को भी क्लास रहेगी, आज शाम को भी रहेगी, फिर कल मॉर्निंग में आपकी क्लास रहेगी, और फिर परसों, मतलब कल मॉर्निंग में और कल इवनिंग में दोनों टाइम रहेगी।
अगला प्रश्न, कल मॉर्निंग में और कल इवनिंग में दोनों टाइम रहेगी। अगला प्रश्न है, इन इंडिया विच टाइप ऑफ मेज इज वाइडली ग्रोन। तो भारत में जो है वो कौन सी मक्का सबसे अधिक अगला प्रश्न, उगाई जाती है, इंडिया विच ये टाइप आपको ऑफ मेज बताना इज है। वाइडली पहला है ग्रोन, डेंट कॉर्न, फिर है तो फ्लिंट भारत में कॉर्न, जो है वो फिर है स्वीट कॉर्न सबसे अधिक और फ्लिंट उगाई कॉर्न। दो जाती बार है, ऑप्शन मुझे दिया है, आपको बताना है कौन पहला सी है ग्रो जो होती है ये आपको बताना है है। वो डेंट कॉर्न, कमेंट करिए भाई, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी मक्का ग्रो की फ्लिंट जाती कॉर्न दो है। बार ऑप्शन मुझे दिया है, कौन सी ग्रो होती है ये आपको बताना है। कमेंट करिए भाई, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी मक्का ग्रो की जाती है। आंसर करिए भाई। अगला आंसर करिए भाई, आप हमें बताओ भाई। बी 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 सही है, फ्लिंट कार्न सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। अगला, बी 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 सही है, और ये आप सब हमें बता ही बताओ। दिया आपको, स्वीट कार्न, फ्लिंट कार्न, डेंट कार्न, है ना, जीएमए सेकराटा, जीएमए जिमालेसिया, जीएमए जिंदुराटा, जीएमए जिंदुराटा, ये सब इसकी स्पीसीज है। मोस्ट कॉमनली फॉलोड वीट सोइंग मेथड इज, सबसे ज़्यादा जो गेहूं की बुआई की विधि है वो कौन सी प्रयोग की जाती है। पहला कॉमनली फॉलोड है वीट सोइंग सोइंग मेथड, बिहाइंड द प्लाउ, फिर सबसे ज्यादा है जो डिबलिंग, गेहूं की तीसरा बुआई है की विधि है ड्रिलिंग। कौन तो सी प्रयोग की देखिए जाती है। जो डिबलिंग डिबलिंग है, मेथड डिबलिंग सबसे से 20 दर ज्यादा गेहूं यूज की होता है 25 से ड्रिलिंग 30 केजी लगती है, आप याद मेथड में, रखिएगा। ड्रिलिंग डिबलिंग मेथड से पूछे गेहूं की 20 दर कितनी लगती है, तो डिबलिंग मेथड से गेहूं की 20 दर 25 से 30 केजी लगती है, 25 से 30 केजी। नॉर्मल जो व्हीट की 25 से 30 सीड रेट है वो केजी 100 केजी है, और लेट सोन व्हीट की बीज नॉर्मल दर, जो व्हीट की सीड रेट है वो 100 केजी लेट सोन जो व्हीट है उसकी बीज दर, की बीज दर लेट सोन गेहूं की बीज दर 125 केजी पर हेक्टेयर है, ये भी आप याद रखिएगा। तो टाइमली सोइंग पूछे 100 केजी, बीज दर 125 केजी टाइमली सोइंग ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा। तो टाइमली सोइंग पूछे 100 केजी, टाइमली सोइंग सौ टाइमली के जी सोइंग ये पूछ रहा है, तो और लेट सोइंग 125 केजी, डिबलिंग विधि से सोइंग 100 केजी 25 से 30 केजी। और लेट डिबलिंग सोइंग क्या 100 केजी होता है, एक डिबलर यंत्र होता है जिसमें 27 खूंटियां होती हैं, 27 खूंटियां होती हैं, और इसमें ऐसे हत्था यंत्र लगा होता है होता है, जिसमें 27 खूंटियां होती ठीक हैं, है। तो 27 एक खूंटियां एक होती हैं और इसमें ऐसे उसमें हत्था फनल में एक एक सीट डालते हैं, तो एक और उसके बाद इसकी सोइंग जो है वो फनल में हम लोग एक एक करते हैं, सीट ठीक डालते है। हैं, तो एक एक फनल में एक एक सीट डालते हैं और उसके बाद सोइंग करते हैं, तो 27 खूंटियां डिबलर में होती हैं, आप याद रखिएगा। और इससे जो गेहूं की बीज दर है वो 25 से 30 केजी 27 खूंटियां पर हेक्टेयर डिबलर लगती में है, होती हैं, आप याद और रखिएगा। नॉर्मल जो सीड रेट है वो 100 केजी पर हेक्टेयर है, पर और हेक्टेयर लेट सोन व्हीट है अगर तो नॉर्मल 125 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट है इसकी, ठीक है। लेट सोइंग व्हीट तो है, पूछ रहा है 125 कि जो केजी पर सोइंग मेथड है हेक्टेयर वो सीड कॉमनली रेट है, कौन सा प्रैक्टिस किया जाता है। तो पूछ तो रहा है सोइंग बिहाइंड द प्लाउ, सोइंग मेथड ये क्या विधि हम होती लोग है, उपयोग में ज़्यादा लाते हैं, ठीक है। सोइंग बिहाइंड द और प्लाउ अगर ये इसमें एक विधि हम ऑप्शन लोग होता उपयोग में ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग, लाते हैं, ठीक है। और अगर इसमें एक ऑप्शन होता ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, तो हम लोग ब्रॉडकास्टिंग सही करते, ब्रॉडकास्टिंग ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग सही अगर करते इसमें हैं, से हमको चूज करना हो, सोइंग बिहाइंड द प्लाउ, ड्रिलिंग, डिबलिंग, अगर तो इसमें सोइंग सोइंग बिहाइंड द बिहाइंड प्लाउ द हम लोग चूज प्लाउ, करेंगे। प्लाउ ड्रिलिंग डिबलिंग, ज़्यादा सही आंसर आपका ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग है, करेंगे, छिटकवा विधि से गेहूं की बुआई सबसे अधिक ज़्यादा की सही जाती आंसर है। आपका आप ये ब्रॉडकास्टिंग भी करेंगे, याद सबसे रखिएगा, ज़्यादा गेहूं की गेहूं बुआई जो होता है उसमें सबसे हमें अधिक की जाती 6 सिंचाई है, नेसेसरी होती है। पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पे करते हैं, सीआरआई स्टेज पे, पहली और सीआरआई सिंचाई स्टेज को 21 आरबीएल से 25 दिन भारद्वाज पे ने करते प्रपोज हैं, किया। सीआरआई किसने प्रपोज स्टेज को किया, आरबीएल आरबीएल भारद्वाज ने, प्रपोज किया, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, जो इसमें प्रोटीन होती है व्हीट में, ग्लूटीन प्रोटीन होती है, और व्हीट का क्रोमोजोम नंबर 42 है, व्हीट का बेसिक क्रोमोजोम नंबर 7 है। व्हीट जो है वो ट्रिटिकम एसिवम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, ये व्हीट व्हीट की स्पीसीजेज हैं। ये आप याद रखिएगा, व्हीट जो है वो येलो हेक्साप्लॉयड क्रॉप है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर हमें इन चारों में से चूज करना है, सोइंग बिहाइंड द प्लाउ करेंगे। लेकिन यदि ब्रॉडकास्टिंग ऑप्शन रहेगा तो आपको ब्रॉडकास्टिंग सही करना है। कोई डाउट हो गया तो आप पूछते रहिएगा। अरे विजय मिश्रा जी, यहाँ कहाँ टीजीटी क्लास चलती है, विजय मिश्रा जी, टीजीटी यहाँ क्लास कहाँ यहाँ नहीं टीजीटी चलती भाई। क्लास चलती है, टीजीटी क्लास यहाँ नहीं चलती भाई। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है आपका, विच इज कॉल्ड एज किंग ऑफ सीरियल। किंग ऑफ सीरियल किसको कहते हैं? पहला है वीट, दूसरा है मेथ, तीसरा है राइट, चौथा है सोरगम। तो सभी को पता है आपको, किंग ऑफ सीरियल वीट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वीट को। वीट है किंग ऑफ सीरियल, ये किंग ऑफ सीरियल बोलते हैं इसको। और क्वीन ऑफ सीरियल अगर पूछे तो मेज को। क्वीन ऑफ सीरियल किसको बोलते हैं? मेज को। सोरगम को हम लोग कैमल क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इपिथेट्स, ये आप याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, सोयाबीन को वंडर क्रॉप बोलते हैं। सोयाबीन को क्या बोलते हैं? वंडर क्रॉप। और इसी को टू इन वन क्रॉप बोलते हैं, टू इन वन क्रॉप। क्योंकि इसका ये है तो एक्चुअल में अगर हम बॉटेनिकली देखें तो ये क्या है? ऑयल सीड पल्स है, लेकिन यूज हम इसको एज ऑयल सीड करते हैं, इसलिए ये टू इन वन क्रॉप है। ठीक है, और इसी को हम जो है वो बोनलेस मीट बोलते हैं। सोयाबीन को बोनलेस मीट, हड्डी रहित मांस इसको बोलते हैं। सोयाबीन को क्या बोलते हैं? बोनलेस मीट। और अगर वेजिटेबल मीट पूछे तो वेजिटेबल मीट हम लोग लोबिया को बोलते हैं। वेजिटेबल मीट किसको बोलते हैं? वेजिटेबल मीट बोलते हैं काउपी को। काउपी मतलब लोबिया, लोबिया को बोलते हैं वेजिटेबल मीट। ठीक है, और किंग ऑफ वेजिटेबल यदि आपसे पूछे तो पोटैटो को बोलते हैं। किंग ऑफ वेजिटेबल पोटैटो। क्वीन ऑफ वेजिटेबल ओकरा, भिंडी। भिंडी को सब्जियों की रानी कहा जाता है, और सब्जियों का राजा आलू को। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है हर्बिसाइड यूज्ड इन पोटैटो फील्ड इज। पोटैटो में कौन सा हर्बिसाइड खरपतवार नाशी यूज होता है? पहला लिखा है ईपीटीसी, और दूसरा है ऑक्सीफ्लोरोफेन, और तीसरा है फ्लूक्लोरालिन। तो ये नहीं यूज होता है फ्लूक्लोरालिन, ऑक्सीफ्लोरोफेन यूज होता है। ऑक्सीफ्लोरोफेन यूज होता है पोटैटो में। देखिए, यदि आपको ये तीनों ऑप्शन किसी मिले तीनों यूज होता है तो गलत है। मोस्टली ऑक्सीफ्लोरोफेन यूज होता है, फ्लूक्लोरालिन या बासालिन जो है ये दलहनों में यूज होता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीफ्लोरोफेन ही यूज होता है पोटैटो में। ठीक है, और पोटैटो में देखिए एक इंसेक्ट लगता है जिसका नाम है पोटैटो ट्यूबर मॉथ। पोटैटो ट्यूबर मॉथ ये ऐसा कीट है जो फील्ड में भी लगता है, ये पोटैटो को फील्ड में भी इन्फेक्ट करता है और स्टोरेज में भी इन्फेक्ट करता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि फील्ड में और स्टोरेज में दोनों में आलू में लगने वाला कीट कौन सा है, तो आलू में फील्ड में स्टोरेज में दोनों में लगने वाला कीट है पोटैटो ट्यूबर मॉथ। पोटैटो में बीमारी जो लगती है वो अर्ली ब्लाइट लगती है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्लैक स्कर्फ, वार्ट डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये जो है वो बीमारियां आलू में लगती हैं। और इसमें से याद रखना है आपको वार्ट डिजीज को। वार्ट डिजीज को इसलिए याद रखना है क्योंकि ये क्वारंटाइन इम्पॉर्टेंट की डिजीज है। ये डिजीज जो केरल है, केरल का जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा लगती है, इसलिए केरल राज्य से आलू का ट्रांसपोर्ट एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रतिबंधित है। तो वार्ट डिजीज सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम नामक फंगस से लगती है। और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वायराइड से लगती है, वायराइड से लगती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और इस वायराइड को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है वो टीओ डाइनर हैं। टीओ डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था। तो आप याद रखिएगा, ये सारी सारी बीमारियाँ आलू में लगती हैं। लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट में से सबसे ज़्यादा हानिकारक बीमारी अगर पूछे कौन सी है तो लेट ब्लाइट है। ठीक है, लेट ब्लाइट ये बीमारी ज़्यादा आलू को प्रभावित करती है। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, टोबैको इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तंबाकू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो तंबाकू की उत्पत्ति पहला है इंडिया, दूसरा रसिया, तीसरा सेंट्रल अमेरिका और चौथा चाइना। तो तंबाकू की उत्पत्ति जो है वो अमेरिका में हुई। ठीक, याद रखिएगा। टोबैको में देखिए दो टाइप का टोबैको है, मोस्टली निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका, ये दो टाइप के मुख्य तंबाकू है। और तंबाकू में जो मादक पदार्थ है उसको निकोटीन के नाम से जाना जाता है, ये भी जानते हैं। तंबाकू में देखिए प्रैक्टिस की जाती है, इस प्रैक्टिस का क्रम याद रखना है आपको। टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, और उसके बाद है फिर क्यूरिंग। तो ये आपको चार चारों प्रोसेस दे देगा और आपसे पूछेगा इसको क्रम से लगाइए। तो ये हमने क्रम से ही लिखा हुआ है, सबसे पहली प्रक्रिया टॉपिंग है, फिर उसके बाद दूसरे पे हम लोग करते हैं डीसकरिंग, तीसरे पे प्राइमिंग और चौथा जो है वो क्यूरिंग। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं क्या, जैसे मान लीजिए आपका तंबाकू का पौधा है, ये आपका तंबाकू का पौधा है ये, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट क्यों कर देंगे, जिससे इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेज में ना चली जाए। ज़्यादा जब पौधा बढ़ेगा तो इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, फ्लावरिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो जो इसकी एनर्जी है वो वेजिटेटिव फेज से चली जाएगी रिप्रोडक्टिव फेज में, और जब इसकी एनर्जी रिप्रोडक्टिव फेज में चली जाएगी तो जो पत्तियां हैं उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो लीव्स की क्वालिटी अच्छी हो, हमें अच्छी क्वालिटी की लीव्स मिले, इसलिए हम टॉपिंग करते हैं। अच्छा, टॉपिंग करने के बाद ये डीसकरिंग क्या है, टॉपिंग करने के बाद डीसकरिंग करते हैं, मतलब जब आप ऊपर से ये शीर्षस्थ कलिका को हटा देंगे तो बगल बगल से शाखाएं निकलेंगी, और बगल बगल से ज़्यादा यदि शाखाएं निकल जाएं तो उसको भी हटाना पड़ता है। नहीं हटाएंगे तो फिर क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग हो सकती है या पत्ती की संख्या बढ़ेगी, तो आप ये जान रहे हैं क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसलिए पत्ती की संख्या ना बढ़े, ज़्यादा ना हो, आवश्यकता से अधिक ना हो, प्लांट की एनर्जी रिप्रोडक्टिव फेज में ना चली जाए, इसलिए हम डीसकरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइमिंग क्या है, प्राइमिंग है जब जैसे जैसे इसकी पत्तियां सूखती जाती हैं वैसे हम पत्तियों को तोड़ के अलग करते जाते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि तंबाकू की जो हार्वेस्टिंग है वो एक साथ नहीं की जाती कि पूरे पौधे को एक बार में ही काट लें हम, नहीं, जैसे जैसे पत्ती पकती जाती है, पीली पड़ती जाती है, उसकी हार्वेस्टिंग हम करते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्राइमिंग। और प्राइमिंग के बाद फिर क्या करते हैं, क्यूरिंग, मतलब तंबाकू को सुखाते हैं और फिर उसको यूज करने लायक बनाते हैं जो मार्केट में आता है। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू वो बनती है उसको हम क्यूरिंग कहते हैं। तो यह भी चारों प्रोसेस हैं, इन चारों प्रोसेस को याद रखिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा जल्दी करें, चलिए ठीक, थोड़ा हम तेज चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, टोबैको इज ओरिजिनेट, अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सुगर केन इज सेंसिटिव टू, शुगर केन किसके लिए सेंसिटिव है? पहला है सलाइन सॉल, दूसरा है एसिडिक सॉल, तीसरा है सोडिक सॉल। तो शुगर केन को हम सोडिक सॉल में नहीं उगाते हैं। शुगर केन में याद रखिएगा सेकेरम ऑफिसिनेरम साइंटिफिक नेम है, सेकेरम ऑफिसिनेरम नोबल केन है, जिसको टी एस वेंकट रमन ने डेवलप किया था। सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम चाइनेंसिस, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ये शुगर केन की स्पीसीजेज हैं, जिसमें से नोबल केन सेकेरम ऑफिसिनेरम सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है और टी एस वेंकट रमन ने इसको डेवलप किया। शुगर केन C4 प्लांट है और शुगर केन इंटरमीडिएट डे लेंथ प्लांट है। शुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट सबसे अधिक है, 1500 से 2500 मिलीमीटर इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
और शुगर केन में पॉलिनेशन जो है वो रात के समय में होता है। शुगर केन में क्लोराइड फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, क्लोराइड फर्टिलाइजर इसलिए नहीं देते, क्लोराइड फर्टिलाइजर शुगर केन में देने से चीनी की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। और शुगर केन में जब 16 से 18% वृक्ष हो जाता है तो शुगर केन कटाई के लिए मैच्योर माना जाता है, पका हुआ माना जाता है। ठीक है, तो ये शुगर केन में ट्रेसिंग जो है वो शुगर केन से रिलेटेड है, टाइंग भी शुगर केन से रिलेटेड है, लॉजिंग भी शुगर केन से रिलेटेड है, और अर्थिंग अप भी शुगर केन से रिलेटेड है। शुगर केन में एक इंसेक्ट लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, पायरिला, जिसका साइंटिफिक नेम है पायरिला परपुसिला। शुगर केन में शुगर केन टॉप बोरर लगता है, शुगर इंसेक्ट है, और शुगर केन में ही गुरदासपुर बोरर नामक कीट लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। जो बंची टॉप है इसमें भी बंची टॉप अपीयरेंस शुगर केन में शुगर केन टॉप बोरर की वजह से होता है, और शुगर केन में रेड राट एक बीमारी लगती है जिसका साइंटिफिक नेम कोलेट्रो ट्राइकम फाल्केटम है, और ये फंजाई से लगती है। ये बीमारी जब शुगर केन की फील्ड में लग जाती है तो यदि आप फील्ड में जाएंगे तो आपको एल्कोहलिक स्मेल आएगी, ठीक है, और इसमें जो गन्ने का तना होता है वो सड़के लाल हो जाता है। तो रेड राट बीमारी है कोलेट्रो ट्राइकम फाल्केटम नामक फंगस से होती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो बायो एजेंट है वो है टेट्राइस्टिकस पायरिली, ठीक है, सॉरी पायरिला परपुसिला को कंट्रोल करने के लिए टेट्राइस्टिकस पायरिली से कंट्रोल करते हैं। शुगर केन को बुआई से पहले एग्लाल सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं जिससे ये बीमारी ना लगे, तो शुगर केन को सोडिक सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर मीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर मीटर बराबर होता है 1,00,000 लीटर के, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, 1 bar इज इक्वल टू 1 bar बराबर 0.99 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला ऑप्शन है 10^-6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है 1013 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो तीनों सही हैं, ये आप याद रखिएगा, तीनों वैल्यू सही है। 1 bar बराबर 0.99 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बी ऑप्शन है 10^10^6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगला है 10^13 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो तीनों ऑप्शन आपका सही है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला, हाइड्रिला वाइटिसिलियम इज प्रोपोगेटेड बाय, हाइड्रिला वाइटिसिलियम जो पर का प्रोपोगेशन होता है वो बल्बिस से होता है, किससे होता है? बल्बिस से। हाइड्रिला वाइटिसिलियम का प्रोपोगेशन बल्बिस से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ठीक, नेक्स्ट है, टेस्ट वेट ऑफ फेलरिस माइनर, फेलरिस माइनर मतलब गेहूं का मामा का जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है, ठीक है, और इसको मारने के लिए सल्फोसल्फ्यूरान या आइसोप्रोट्यूरान यूज किया जाता है। अगला, इसका और नाम गुल्ली डंडा भी है, इसको गुल्ली डंडा खरपतवार के नाम से भी जानते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया इज, भारत की फसल चक्र सघनता कितनी है? तो 56 है क्रॉपिंग इंटेंसिटी करंट टाइम में इंडिया की, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज डिफिशियंट इन वाटर लॉग सॉइल, जहां पानी भरा रहता है वहां किस जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी होती है? तो जहां पर पानी भरा क्षेत्र होता है वहां पर नाइट्रोजन की कमी दलदली मृदा में होती है, जेडीएन की कमी होती है, सीयू की, एस की, सभी की कमी होती है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दलदली मृदा में जहां पानी भरा रहता है नाइट्रोजन की भी कमी होती है, जेडीएन की भी होती है, तो 2 ऑप्शन आपके मिल रहे हैं, तो आप डी ऑप्शन सही कर दीजिए। नेक्स्ट, अगला है, ग्राउंड नट प्रोडक्शन इज हाइएस्ट इन, सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है चाइना में। मूंगफली 2 प्रकार की होती है, एक स्प्रेडिंग टाइप, एक नॉन स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप एरेकिस हाइपोजिया वैरायटी प्रोक्यूम्बेंस है, और नॉन स्प्रेडिंग टाइप एरेकिस हाइपोजिया वैरायटी फेस्टिगाटा है। मूंगफली में याद रखिएगा, कैल्शियम हमें अधिक मात्रा में चाहिए होता है, कैल्शियम की यदि कमी हो जाए तो क्रॉपिंग नामक डिसऑर्डर हो जाता है जिससे मूंगफली में दाने नहीं बनते हैं। और मूंगफली में याद रखिएगा, उसका छिलका CaCO3 का बना होता है, और मूंगफली में 250 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से हम जिप्सम देते हैं जिससे सल्फर और कैल्शियम की कमी जो है पूरी हो जाए। मूंगफली में बहुत इंपॉर्टेंट कीट लगता है जिसका नाम है वाइट ग्रब सबसे इंपॉर्टेंट कीट है मूंगफली का। होलोट्राइचिया कंसंग्विना इसका साइंटिफिक नेम है,
और व्हाइट ग्रब को याद रखिएगा, मूंगफली का सबसे इम्पोर्टेंट कीट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है मूंगफली के लिए। ये एक ही रात में पूरी फसल को काट के बर्बाद कर सकता है, और ये जड़ पे अटैक करता है, और सबसे ज़्यादा बलुई मिट्टी में अटैक करता है होलोट्रेचिया कंसंगवीना, ये आप याद रखिएगा। और मूंगफली के लिए बलुई सॉइल अच्छी होती है, क्योंकि उसमें उसकी बढ़वार अच्छी होती है। पैगिंग जो प्रक्रिया है मूंगफली से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मूंगफली जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये भी याद रखिएगा। एनआरसी फार ग्राउंड मूंगफली का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो जूनागढ़ गुजरात में है, इसको भी आपको याद रखना है। हाँ, टिक्का डिजीज लगती है। टिक्का दो टाइप की है, एक है अर्ली टिक्का और दूसरी है लेट टिक्का। अर्ली टिक्का सरकोस्पोरा पर्सोनाटस लगती है, सॉरी सरकोस्पोरा रेसिडिकुलस है, और लेट टिक्का सरकोस्पोरा पर्सोनाटस है, दोनों ये फंजाई हैं। मूंगफली में ही आप याद रखिएगा, मूंगफली में जो भंडारण में लगने वाला कवक है वो है एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस नाइजर, जो एप्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ओरिजिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में है। अगला है प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट ऑफ सोयाबीन इज, सोयाबीन में प्रोटीन और ऑयल कंटेंट कितना होता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ऑयल कम होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन 40%, ऑयल 20%, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ग्राउंडनट ऑयल केक कैन बी यूज्ड एज, मूंगफली की खली का प्रयोग होता है, तो मूंगफली की खली का प्रयोग किसके लिए होता है, पहला है मैन्योर, दूसरा है पोल्ट्री फीड, पोल्ट्री फीडिंग इंग्रेडिएंट में, मैन्योर में, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल फाइबर, सभी में होता है, डी ऑप्शन ठीक है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टीवेटेड इन इंडिया, भारत में कौन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, पहला है ब्राउन सरसों, अच्छा कौन उगाया जाता है ये नहीं पूछा, कौन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो ब्राउन सरसों भी उगाया जाता है, ब्रेसिका रापा भी उगाया जाता है, इरिका सटाइवा उगाया जाता है, सभी उगाए जाते हैं। इरिका सटाइवा क्या है, तारा मीरा, और ब्रेसिका रापा गोभी सरसों है, और ब्राउन सरसों है। अगला है ओरिजिन ऑफ मस्टर्ड इज, मस्टर्ड का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो मस्टर्ड का ओरिजिन प्लेस अफगानिस्तान है, ठीक है। मस्टर्ड में ग्लूकोसाइनोलेट नामक केमिकल पाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, 33 से 37% मस्टर्ड में ऑयल होता है। विच वन एलिमेंट रिक्वायर्स मोर क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट चाहिए, तो ग्राउंडनट के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा चाहिए। और तिलानी फसलों के लिए सल्फर ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि तिलानी फसल जो होती है वो सल्फर में, सल्फर से तेल की मात्रा उसमें बढ़ती है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, तो आप याद रखिएगा, पौधों के लिए टोटल आवश्यक पोषक तत्व की संख्या है 17, ठीक है, जिसमें से एनपीके, सॉरी सीएचओ, ये बेसिक है, एनपीके प्राइमरी है, सीएएमजीएस, सीएएमजीएस ये सेकेंडरी है, एफ ई एम एन सी यू जेड एन बी एम यू एन आई और सी एल, ये सब माइक्रो है, ये सब कैसे हैं माइक्रो, तो सी एच ओ बेसिक हो गया आधारभूत पोषक तत्व, एन पी के प्राइमरी हो गया प्राथमिक पोषक तत्व, सी ए एम जी एस सेकेंडरी पोषक तत्व मतलब द्वितीयक पोषक तत्व, एफ ई एम एन सी यू जेड एन बी एम एन आई सी एल, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स सूक्ष्म पोषक तत्व। तो टोटल पोषक तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 17, और प्रश्न क्या पूछ रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, तो जेड एन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट, ओके ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर फॉर ग्रासेस, तो ग्रासेस के लिए, घास के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो घासों के लिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उनकी बढ़वार के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर शुगर केन जूस, क्लेरिफिकेशन मीन्स जो गन्ने का जूस है उसको साफ करने के लिए कौन प्रयोग होता है, तो गन्ने जूस को साफ करने के लिए हम ओकरा, भिंडी के जड़ और तने का प्रयोग करते हैं, एबल मेस्कस सुलेंटेक्स सार्विक नेम है, ठीक है, और जो ये अफ्रीका ओरिजिन प्लेस है, 130 क्रोमोजोम नंबर है, मालवेसी फैमिली है।
और पूसा कोमल, पूसा सुकोमल और पंजाब सुनहरी और उसके बाद काशी लालिमा, आजाद होकर अखड़ी, ये भिंडी की प्रजाति है। काशी लालिमा भी भिंडी की प्रजाति है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम निगेटिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम वरायटी, चने की प्रजाति कौन सी है? सीसर एरिटिनम साइंटिफिक नेम है। चने की वरायटी पहला है राधे, दूसरा है गौरव, तीसरा है चापे। तो ये तीनों वरायटियाँ चने की हैं। और याद रखिएगा अवरोधी भी चने की प्रजाति है। अवरोधी, अवरोधी जो है वो विल्ड के प्रति रेजिस्टेंट है। अवरोधी वैरायटी विल्ड रेसिस्टेंस है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑप्टिमम देवताप सोयल। ऑप्टिमम देवताप सोइंग ऑफ बंगाल ग्राम सीड, मतलब जो चने की बुआई है वो कितनी गहराई करते हैं? तो ऑप्टिमम जो सोइंग डेप्थ है वो 3 से 5 सेंटीमीटर है। लेकिन जब विल्ट डिजीज लगी हो चने में, या विल्ट डिजीज से हमको चने से चने को बचाना है, अगर चने को विल्ट डिजीज से बचाना है तो हम बुआई कितने करेंगे? 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पे। और दूसरा क्या हम कर सकते हैं विल्ट डिजीज से बचाने के लिए? हम कैप्टान या थीरम से इसका उपचार कर सकते हैं। कैप्टान या थायरम की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा से उपचार कर देंगे। या क्या करेंगे, चने को लीन सीड के साथ अगर उगाएंगे, चने को यदि हम लीन सीड के साथ उगाते हैं तो भी जो है ये बीमारी हमारी नहीं लगेगी। तो आप याद रखिएगा ऑप्टिमम डेप्थ तो 3 से 5 है, लेकिन हमें अगर विल्ड डिजीज से बचाने के लिए चने को उगाना है तो 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई उगाएंगे, और विल्ड डिजीज से बचाना है तो कैप्टान थीरम से उपचारित करके बोएंगे, और साथ ही साथ यदि लीन सीड की इंटरक्रॉपिंग कर देंगे मीन्स अलसी की, तो भी विल्ड डिजीज नहीं लगेगी। अगला है स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का उत्पादन क्षेत्रफल में बड़ा है, मीन्स सब्जी में सबसे ज़्यादा उत्पादन और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन और क्षेत्रफल कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन और क्षेत्रफल होता है वो यूपी में है। इससे पहले बिहार था, लेकिन अभी यूपी का पहला स्थान है। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश लगभग लगभग सेम रहते हैं, कुछ मीट्रिक टन का अंतर रहता है। तो इस समय करंट में जो है वो उत्तर प्रदेश है। टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में जो है वो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है, और वेजिटेबल प्रोडक्शन में यूपी है। अगला प्रश्न, क्यूकुम्बर इज ए खीरा क्या है? क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक, अच्छा क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है? जो फल या सब्जियां तोड़ने के पश्चात पक जाती हैं उनको हम क्लाइमेट्रिक बोलते हैं, जो तोड़ने के पश्चात नहीं पकती हैं, सूख जाती हैं या रॉटिंग हो जाती हैं, उनको हम नॉन क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। तो क्यूकुम्बर जो है वो नहीं पकता है, तो क्यूकुम्बर कैसा है? नॉन क्लाइमेट्रिक। कैसा है? नॉन क्लाइमेट्रिक है क्यूकुम्बर, ठीक है। ठीक, हाँ बी ऑप्शन आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है, और आंसर सभी लोग करते रहिए। शालिनी विजय मिश्रा, नितिन युवराज के राइट, सलोनी, प्रियंका, नीरज, सभी लोग आंसर करते रहिए भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पूसा सुप्रिया एंड पूसा चिकनी आर वैरायटीज। आप पूसा सुप्रिया और क्या प्लान का आओ जी बता देना। अच्छा ठीक, पूसा सुप्रिया और पूसा चिकनी किसकी प्रजातियां हैं? तो पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी लौकी की दोनों वैरायटी किसकी हैं? दोनों की दोनों प्रजातियां ये लौकी की हैं, ओ सॉरी स्पॉन्ज गार्ड की हैं। स्पॉन्ज गार्ड की दोनों दोनों प्रजातियां हैं, पूसा सुप्रिया और पूसा चिकनी। स्पॉन्ज गार्ड, रिज गार्ड, गार्ड दो हैं। स्पॉन्ज गार्ड है, रिज गार्ड है, लूपा सिलेंड्रिकल, लूपा एक्सट्रेमिकुला इसका सांडविक नेम है। लौकी की प्रजाति, लौकी की प्रजाति याद रखिएगा पूसा नवीन और पूसा मंजरी लौकी की बहुत महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। पूसा अर्ली प्रोलोप्टिक रॉन्ग और पूसा अर्ली प्रोलोप्टिक राउंड ये भी लौकी की प्रजाति है। बिटर गार्ड की कल्याण पूसोनम बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ब्रिंजल की प्रजाति याद रखिएगा आजाद क्रांति ब्रिंजल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है, ब्लैक ब्यूटी है ये ब्रिंजल की, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं।
ये आपको याद रखना है। पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर भी ब्रिंजल की प्रजाति है। ब्रिंजल में लिटिली बीमारी माइकोप्लाज्मा से लगती है। साण्विक नेम ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन का साण्विक नाम सिट्रेलस लेनेटस है। सिट्रेलस लेनेटस लेजिनेरिया सिसनेरिया लौकी है, और क्यूकमिस मेलो ये आपका खरबूज है। नेक्स्ट नेक्स्ट है टोमेटो बिलोंग्स टू विच फैमिली, टोमेटो किस कुल से संबंधित है? तो पहला है कुकरबिटेसी, दूसरा है ग्रैमली, तीसरा है मालवेसी, चौथा सोलोनेसी। तो टोमेटो आप सभी को पता है कि सोलोनेसी फैमिली की क्रॉप है। ठीक है, लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम साण्विक नेम है। सीड रेट ऑफ टोमेटो इज, टोमेटो की बीज दर क्या है? तो टोमेटो की जो बीज दर है वो 350 से 400 ग्राम हम लोग सही करेंगे, और अगर यहीं पे आपका हाइब्रिड पूछा होता तो 125 से 175 ग्राम हम लोग सही करते, 125 से 175 ग्राम हाइब्रिड का सही करते। हाइब्रिड का कितना सही करते? 125 से 175 ग्राम। ठीक है, आप याद रखिएगा कैट पेस्ट टोमेटो से रिलेटेड है, और जो टोमेटो में फ्रूट फट जाते हैं वो बोरान की कमी से फटते हैं, और ब्लॉसम इन रॉट टोमेटो से संबंधित है। ऐसा बेर एक डिसऑर्डर है, वो भी टोमेटो से संबंधित है। पूसा शीतल एंड पूसा गौरव आर वराइटीज ऑफ, पूसा शीतल, पूसा गौरव, पूसा रूबी और अर्का विकास, अर्का विश्वास, ये जो सारी प्रजातियां हैं वो हिसार ललित, और उसके बाद पंजाब छुहारा, अंगूर लता, ये प्रजाति सब टोमेटो की है। अगला अगला है पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्रिंजल इज, ब्रिंजल में जो पिगमेंट मतलब ब्रिंजल का रंग जो है किसके कारण होता है? तो एंथोसानिन कारण ब्रिंजल जो है वो रंगीन होता है, और लाइकोपिन जो है वो टोमेटो में पाया जाता है। ठीक है, और क्यूरिस्टीन के कारण प्याज में येलो रंग होता है। येलो रंग किसमें? ऑनियन में, ऑनियन में जो येलो रंग होता है वो क्यूरिस्टीन के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है रेड कलर ऑफ चिल्ली इज ड्यू टू, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? पहला है कैप्साइसिन, दूसरा है कैप्साइंथिन, तीसरा है क्यूरिस्टीन, और चौथा है लाइकोपिन। तो रेड कलर इज चिल्ली, चिल्ली में लाल रंग जो होता है वो कैप्साइंथिन के कारण होता है। ये लाइकोपिन कारण टमाटो का लाल रंग, पीला रंग जो है क्यूरिस्टीन के कारण होता है प्याज का पीला रंग। अगला सीड रेट ऑफ चिल्ली, चिल्ली की बीज दर कितनी है? तो पहला है 500 से 600 ग्राम गलत है, 200 से 300 ग्राम, और ये तो केजी में एकदम गलत है, और 200 से 300 ग्राम हम लोग सही करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इसकी वैरायटी याद रखिएगा पूसा ज्वाला, इसकी प्रजाति है चंचल है, भास्कर है, और पूसा ज्वाला जो है वो तीखी प्रजाति है बहुत ज़्यादा, और फूले ज्योति है, और अर्का ज्योति है, आंध्रा ज्योति है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मिर्च है वो आंध्र प्रदेश में उसका प्रोडक्शन होता है। ये भी आपको याद रखना है, मिर्च में बायडायरेक्शनल रूटिंग हैबिट होती है, और जो लीफ कर्ल बीमारी है वो वायरस होती है, और एफिड और जो है वो इसको फैलाता है। नॉर्मल सीड रेट ऑफ कैबेज, कैबेज का जो पत्ता गोभी उसका बीज दर कितना है? पत्ता गोभी दर है 500 से 750 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, अगस्त सितंबर प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर रेड हेवन, और गोल्डन एकर रेड हेवन और कोपेनहेगन मार्केट, इसकी वरायटियाँ हैं कैबेज की। ब्रेस्का और रेसिया वरायटी कैपिटाटा इसका साइंटिफिक नेम है, और इसमें जो महा इसमें इंडोल 3 कार्बिनाल नामक एक केमिकल पाया जाता है जो एंटी कैंसरस है, कैंसर डिजीज होने होने से जो है वो कैंसरजेनिक सेल को किल कर देता है, तो कैंसर डिजीज होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कीट है डायमंड बैक मॉथ प्लूटेला जाइलोसिटेला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पूछे डायमंड बैक मॉथ किस में लगता है इंसेक्ट, तो डायमंड बैक इंसेक्ट जो है वो कैबेज में लगता है। ठीक है, संख्या आप लोग की घट रही, भाई क्या बात है। पूसा मुक्ता ये वैरायटी, आप पूसा मुक्ता किसकी वैरायटी है? तो पूसा मुक्ता कैबेज की वैरायटी है। ठीक है, किसकी वैरायटी है? कैबेज की। अगला है बोल्टिंग इज एसोसिएटेड विद, बोल्टिंग किससे संबंधित है? तो बोल्टिंग संबंधित है प्याज से। इसमें होता क्या है, बोल्टिंग में होता है जो प्याज होती है उसमें डंठल निकल जाता है, तो डंठल निकलता क्या हो कि या तो लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, इसकी वजह से डंठल निकल जाता है, और जब डंठल निकल जाता है तो प्याज की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। तो बोल्टिंग संबंधित है
याद रखिएगा, प्याज से। नेक्स्ट है अरका निशान दीजिए वैरायटी। आप अरका निशान वैरायटी जो है वो रेडिस की है और ये रेडिस की मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है। कैसी वैरायटी है? मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी, मतलब एक से अधिक रोगों के प्रति अवरोधी है जो ये क्रॉप है। एक से अधिक रोगों के प्रति ये वैरायटी रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है, आपको याद रखना है मूली की मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी। 9 से 12 केजी इसकी बीज दर है पर हेक्टेयर। आइसोथायोसाइनेट के कारण इसमें आइसोथायोसाइनेट के कारण इसमें याद रखिएगा जो गंध है वो आती है। आइसोथायोसाइनेट के कारण गंध आती है। 9 से 12 केजी बीज दर है और अरका निशांत इसकी मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है। अगला नॉर्मल सीड रेट ऑफ कैरेट। कैरेट की बीज दर 5 से 6 केजी है। कैरेट का उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान है। कैरेट एम्बली फेरी फैमिली की फसल है। डायकस कैरोटा साइंटिफिक नेम है। अफगानिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है और जो इसका सीड है वो साइजोकार्प टाइप का होता है और पूसा केसर, पूसा यमदाग्नि, नैनतस, चैतन्य, डेनवर, जेनो इसकी प्रजातियाँ हैं। कैरेट में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 3150 आयु पर 100 ग्राम और साथ ही साथ कैरेट के याद रखिएगा पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है और कैरेट में फॉर्किंग नामक डिसऑर्डर होता है जिससे कैरेट दो पार्ट में कैरेट डिवाइड हो जाती है ऐसे। तो ये जो डिसऑर्डर है इसको हम फॉर्किंग बोलते हैं। फॉर्किंग डिसऑर्डर किस में होता है? कैरेट में। और कैरेट में टॉप रॉट, हेड रॉट, ब्राउन रॉट, क्राउन रॉट ये बोरान की कमी से होता है और कैरेट में कैविटी स्पॉट जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। कैरेट में कैविटी स्पॉट कैल्शियम की कमी से, ब्राउन रॉट, क्राउन रॉट, हेड रॉट, बोरान की कमी से। फॉर्किंग जो है वो मिट्टी की हार्ड पैन कठोर परत होने की वजह से होता है और इसकी बीज दर 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर है। कितनी है? 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर। कैरेट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, पूछी जाती है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है बोनाई। इजे बोनाई नहीं है, बोनसाई है। ठीक है, कैसे आई है बोनसाई? बोनसाई क्या है? आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर प्लांट, मीन्स पौधे को छोटा करके उगाना। जैसे आप कभी भी देखे होंगे कि लोग गमले में पीपल उगा देते हैं ना, पीपल का पौधा गमले में लगा होता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो पीपल का पौधा गमले में लगा होता है और बहुत छोटा होता है, पौधा बहुत छोटा होता है और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी हो जाती है। तो आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर प्लांट इज नोन एज बोनसाई। पौधे को छोटा करके उगाने की जो तकनीक है वो बोनसाई कहलाती है। और बोनसाई क्या है ये पूछ रहा है, तो बोनसाई जो है वो जैपनीज है, जैपनीज आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर प्लांट। ठीक है, और बोनसाई का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? चाइना। अगला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जी। अगला है एसिड कंटेंट इन जैम। जैम में एसिड कितना होता है? 0.5 से 0.6%। जैम सबसे अच्छा एप्पल का बनता है और जेली सबसे अच्छा गुआवा की बनती है, ये भी आप याद रखिएगा। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया होगा उन सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी क्योंकि कुछ प्रश्न टेस्ट सीरीज में हम लोग यहाँ से डिस्कस किए ये सारे प्रश्न उसमें होंगे। थर्नलेस वैरायटी ऑफ रोज। गुलाब की कांटे रहित प्रजाति कौन सी है? तो पूसा मोहित है, तुषार है, सुचित्रा है। पूसा मोहित और सुचित्रा दोनों कांटे रहित प्रजातियां हैं, इन दोनों में कांटे नहीं होते हैं, तो मतलब आंसर कौन सा ही? ए और बी। और जो तुषार है ये सफ़ेद रंग की वैरायटी है। व्हाइट रंग की वैरायटी कौन सी है? तुषार। तुषार सफ़ेद रंग की प्रजाति है और पूसा मोहित सुचित्रा कांटे रहित प्रजातियां हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट वैरायटी है। रोज में याद रखिएगा विंटरिंग रोज से संबंधित है। अगर पूछे विंटरिंग किससे संबंधित है? रोज से। रोज में प्रवर्धन किससे होता है? टी बडिंग से होता है। रोज से आयल निकालने की जो टेक्निक है वो नूर जहां ने खोजा था, इसको भी याद रखिएगा। रोज से इसेंशियल आयल निकाला जाता है और रोजा इंडिका, रोजा चाइनेंसिस, रोजा बारबोरियाना, रोजा केनाइना, रोजा सेंटिफोलिया, ये रोज के साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और जो रोज की ग्रीन हाउस में वैरायटी उगाई जाती है वो ब्लैक मैजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूछी हुई है आईसीआर में। तो मंदूर गार्डन कहाँ है? मंदूर गार्डन आप याद रखिएगा जोधपुर में है, यहीं पे याद रखिएगा। देखिए मंदूर गार्डन जोधपुर में हो गया, मंदूर गार्डन जोधपुर।
रॉक गार्डन चंडीगढ़, रॉक गार्डन। अच्छा इधर लिखते हैं, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा रॉक गार्डन। रॉक गार्डन ये चंडीगढ़ में है। उसके बाद याद रखिएगा रोज गार्डन, ये भी चंडीगढ़ में है। उसके बाद आप याद रखिएगा नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। फिर याद रखिएगा इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन थोड़ा ऊपर करते हैं। अरे सब गायब हो गया। देखिए गार्डन हम आप सब करा दे रहे हैं, गार्डन से आगे प्रश्न तो हो जाएगा। पहला याद रखिएगा मंदूर जो दिया हुआ है, मंदूर हो गया जोधपुर, जोधपुर में। रॉक गार्डन हो गया चंडीगढ़, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। लाल बाग गार्डन बंगलुरु याद रखिएगा, लाल बाग गार्डन। गार्डन बार बार नहीं लिख रहे हैं, टाइम जाएगा, ठीक है। लाल बाग गार्डन कहाँ है? बंगलुरु में, ठीक है। वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन ये मैसूर में है, मैसूर कर्नाटका में। उसके बाद याद रखिएगा रोज गार्डन चंडीगढ़ में। ट्यूलिप गार्डन J&K, चश्मे शाही, चश्मे शाही ये भी J&K। उसके बाद याद रखिएगा बुद्धा जयंती पार्क, बुद्धा जयंती पार्क ये दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। उसके बाद आप याद रखिएगा राष्ट्रपति भवन गार्डन ये न्यू दिल्ली में। मुगल गार्डन ये पिंजौर हरियाणा में, पिंजौर हरियाणा में, ठीक है। और बॉटेनिक गार्डन कोयम्बटूर, कोयम्बटूर यहीं पे बॉटेनिकल गार्डन आ जाए, या फराई देहरादून, या फराई देहरादून, ठीक है। याद रखिएगा इन सबको। अच्छा अभिजीत सिंह, तो अभिजीत भाई तैयारी सही चल रही है ना आपकी? चलिए, तो ये सब गार्डन आप याद रखिएगा। मंदूर गार्डन कहाँ है? जोधपुर में। अगला अगला प्रश्न है, नॉर्मल सीड वेट ऑफ पालक की, पालक की जो सामान्य बीज दर है कितनी है? पहला 20 से 25 kg, दूसरा है 25 से 30 kg, तीसरा है 30 से 35 kg और चौथा है 35 से 40 kg। तो पालक की नॉर्मल सीड रेट 35 से 40 kg है। एग्जैक्ट अगर आ जाए तो 37 से 47 kg से याद रखिएगा, 37 से 47 kg। अगला अगला है प्रोटीन कंटेंट इन ग्रीन पी और गार्डन पी, ग्रीन पी इन गार्डन पी में प्रोटीन कितना है? तो ग्रीन पी या गार्डन पी में प्रोटीन जो है वो 7.2%। अगला बोनविले साल्विया आजाद P3 इसकी प्रजाति है, JP19 याद रखिएगा। अपर्णा सब प्रजातियां हैं मटर की, अपर्णा जो है वो दाल वाली मटर की है, सब्जी वाली ना सही कर देना, अपर्णा दाल वाली है। अगला मेच्योरिटी ऑफ पी इज मेजर्ड बाई, जो मटर है उसके उसकी परिपक्वता किससे मापते हैं? तो टेंड्रोमीटर से।
मटर की परिपक्वता किससे मापते हैं? टेंड्रोमीटर से मापते हैं। अगला अगला है वेक्टर आप कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस को फैलाता कौन है? तो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस को एफिड फैलाता है। कौन फैलाता है? एफिड। अगला अगला है पिल्लो डिजीज आप कुकुम्बर इज ड्यू टू, पिल्लो डिजीज कुकुम्बर में कैल्शियम की कमी से लगती है, कैल्शियम डिफिशियंसी से। कल देखा होगा कभी कभी जो है वो खीरे पे खुरदुरा खुरदुरा भूरे भूरे कलर का हो जाता है और खीरा इस शेप में हो जाता है, पतला हो जाता है ना, जैसे ऐसे इधर है। ऐसा हो जाता है। तो ये जो डिजीज है वो कौन सी डिजीज कहलाती है? पिल्लो डिजीज। पिल्लो डिजीज खीरे में होती है, एक्चुअल में ये डिसऑर्डर है और किससे होता है? कैल्शियम की कमी से। ठीक। अगला क्या लिखे हैं बुक में? 21 लिखा था, क्या 21 लिखा था बताइए? बटनिंग इज एसोसिएटेड विद, बटनिंग किससे संबंधित है? तो बटनिंग संबंधित है कॉलीफ्लावर से। और बटनिंग होता क्या है? नाइट्रोजन की कमी से फूलगोभी का जो कर्ड है वो छोटा हो जाता है। या दूसरा कारण है जब हम अर्ली वैरायटी को लेट ग्रो करते हैं तो भी बटनिंग हो जाती है। तो आज का ये सेशन आपका समाप्त हुआ और हम लोग कल मतलब आज शाम को भी 100 क्वेश्चन करेंगे और फिर कल मॉर्निंग में भी और कल इवनिंग में भी। तो इन सब से देखिए एग्रोनॉमी का भी क्वेश्चन है, मोस्टली सॉयल साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, हार्टिकल्चर से भी हैं। और मैं इन सबको और कवर कर ले रहा हूँ, जैसे उसमें मैं आपको डिजीज भी बता दे रहा हूँ, इंसेक्ट भी बता दे रहा हूँ, है ना। तो आपका एग्रोनॉमी सॉयल साइंस हार्टिकल्चर ये सारे कवर हो जा रहे हैं। और आप अच्छे से इस सेशन को अटेंड करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ हो सके। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, इन दो दिन हमारे साथ जुड़ के दोनों दिन जुड़िए और निश्चित ही आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे, 50-60 क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। और लेकिन अच्छे से आपको सब जो डिलीवरेशन है वो ध्यान से देखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। जय हिंद।